नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी शारदीय नवरात्रि के विषय में। आज आप शारदीय नवरात्रि के विषय में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, जैसे कि नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब तक रहने वाली है, प्रतिपदा तिथि कब से कब तक है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त क्या है, साथ में बहुत सारे प्रश्न जो कि नवरात्रि व्रत को लेकर भाई बहनों के मन में होते हैं, जैसे कि क्या हम बिना व्रत किए कलश स्थापना कर सकते हैं, क्या हम कलश स्थापना यदि करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जरूरी है, यदि हम पाठ नहीं कर पाते हैं तो क्या हमें कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए, कलश हमें माता जी के चित्र के किस तरफ रखना चाहिए, नारियल का मुख किस तरफ होना चाहिए, वस्त्र हमें किस रंग का पहनना चाहिए, तो ये सारी बातें बहुत बहनों के मन में आती है, तो वो सारी बातें क्लियर होंगी। आइए एक एक करके सारे प्रश्नों के उत्तर जान लेते हैं। आप सभी भाई बहनों को आने वाली शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर में सुख समृद्धि प्रदान करें और माता रानी का आशीर्वाद सदा सर्वदा आप सभी के ऊपर बना रहे। तो देखिए दोस्तों, 2024 में 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो जा रही है। दिन होगा गुरुवार का और शारदीय नवरात्रि 12 अक्टूबर को समाप्त होगी। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी 3 अक्टूबर को रात्रि 12:19 पर और यह समाप्त होगी 4 अक्टूबर को रात्रि 2:58 पर। यहीं पर कलश स्थापना का मुहूर्त होगा 3 अक्टूबर को सुबह। जो पहला मुहूर्त है वो 6:15 से लेकर 7:22 तक है। इस समय में यदि आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो दूसरा अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 11:46 से 12:33 तक। तो इस समय में भी आप लोग कलश की स्थापना कर सकते हैं। अब आइए एक एक करके आपके जो सारे प्रश्न हैं उनका उत्तर देती हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि बिना व्रत किए भी आप संपूर्ण पूजा कर सकते हैं, कलश की स्थापना, अखंड ज्योत, ज्वारे बो सकते हैं, दुर्गा जी का पाठ कर सकते हैं। सभी कार्य जितने भी पूजा पाठ व्रत करके आप कर सकते हैं, उतना ही कार्य आप बिना व्रत किए भी कर सकते हैं। यहाँ पर नियम थोड़ा सा आपको ये जानना है कि यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो पूरे नवरात्रि में आप लहसुन प्याज का सेवन बिल्कुल ना करें, शुद्ध और सात्विक भोजन आप करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप कलश की स्थापना करें, माता जी का पाठ करें, आप सब कुछ कर सकते हैं। अब बात करती हूँ कि क्या कलश की स्थापना नहीं करते हैं, हम केवल अखंड दीप जलाना चाहते हैं, ज्वारे बोना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए माता जी की पूजा में कहीं से आपके मन में किसी भी प्रकार का भ्रम दुविधा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से आपकी आत्मा कहे, जैसी आपकी श्रद्धा भक्ति हो, उसी तरह आप अपने आप को माँ की सेवा में समर्पित कर दीजिए। माँ है वो जगत की माता है, जगत जननी है, हमारा केवल वो प्रेम और हमारी श्रद्धा को देखती है। तो आप कलश न भी रखें तो केवल अखंड दीप और ज्वारे भी बो सकते हैं। ये भी बात क्लियर हो गई। अब सबसे बड़ी बात है कि कलश की स्थापना यदि हम करते हैं तो क्या हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना जरूरी है, जो कि बहुत से लोग समय के अभाव में नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इसका बहुत सारा विकल्प है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय का पाठ करना ही करना है। आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो मैं बताती हूँ। देखिए दुर्गा सप्तशती में सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ जो है, मतलब 7 श्लोकों में पूरा दुर्गा सप्तशती का जो सार है, कहने का मतलब पूरी दुर्गा सप्तशती इन 7 श्लोकों में समाई हुई है, जिसे कि सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ कहते हैं। आप इनका पाठ करें, बहुत थोड़े से समय में 5 मिनट में ये पाठ हो जाता है। दूसरा सिद्ध कुंजी का स्तोत्र, 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा लगता है। यदि आप बहुत तेजी से नहीं पढ़ पाते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं तो 5 मिनट लग जाएगा, बस केवल 5 मिनट। और सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करने के लिए ना तो आपको किसी नियम विधि की आवश्यकता है, जैसे कि कीलक, कवच, अर्गला, सापोद्धार, उत्कीलन, ये सारे जो मंत्र होते हैं, ये सारी जो विधियां होती हैं हम पाठ करने से पहले और अंत में करते हैं, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है यदि आप केवल सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ करते हैं। तो ये भी आपका 5 मिनट का कार्य है। तो दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने का भी बहुत सारा विकल्प है। आप केवल देवी कवच भी पढ़ सकते हैं, चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में। देवी अथर्वशीर्ष है, माता जी के सिद्ध मंत्र हैं जो कि दुर्गा सप्तशती में ही आपको मिल जाएंगे। भगवती स्तोत्र है, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है, तो बहुत सारी चीजें हैं आप कर सकते हैं। आपके पास समय की कमी है तो आप पूरा पाठ ना कर पाए तो कोई बात नहीं। अब बात आती है कि क्या 9 दिन के जो 9 वस्त्र बताए गए हैं, रंग बताए गए हैं, उन्हीं को पहनकर हमें पूजा करनी चाहिए? तो बिल्कुल नहीं। आप माता जी की पूजा के लिए केवल काले और नीले वस्त्रों का प्रयोग ना करें, ज्यादा से ज्यादा लाल, गुलाबी, पीले, हरे, इन रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। लाल पुष्प अर्पित करें, केवल आपको गुड़हल का पुष्प प्रतिदिन मिल जाता है तो केवल गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। प्रसाद आपको प्रतिदिन जो 9 दिनों के भोग प्रसाद हैं
वो नहीं मिल पाते हैं तो आप केवल मिश्री सूखे मेवे आप रख लीजिए, मिश्री रख लीजिए और लौंग इलायची, ये माता जी का मुख्य प्रसाद होता है, इतना ही अर्पित करके आप प्रतिदिन सुबह और शाम की पूजा कर सकती हैं। और नवमी के दिन हलवा पूड़ी चना का भोग तो हम सभी लोग लगाते ही हैं, ये कार्य करके भी आप माता जी की पूजा अर्चना कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों माता जी की पूजा के लिए सबसे जरूरी है वो है हमारी श्रद्धा, हमारा भाव। तो शुद्ध और सात्विक रहकर आप शरीर से भी शुद्ध रहें और अपने विचारों से भी शुद्ध रहें, मतलब आप अपने मन में किसी भी प्रकार का मनोविकार न लाएं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, किसी की चुगली, निंदा, किसी को कष्ट पहुंचाना अपने वाणी के द्वारा, ये सारे कार्य न करें तो समझिए कि आपने व्रत धारण कर लिया है। शरीर से नहीं तो मन से आप व्रत धारण करके अपने माता जी की पूजा अर्चना करें और माता रानी सदा कल्याण करेंगी। कभी भी भक्ति में अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम, दुविधा या डर आपको नहीं लाना चाहिए कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा मैंने किया तो क्या माता जी नाराज हो जाएंगी, मुझसे ऐसी गलती हो जाएगी तो क्या हमें दोष लगेगा, अपशगुन हो जाएगा, ये सारी बातें कभी भी अपने मन में नहीं लानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारियां। फिर कलश स्थापना विधि और पूजा की विधि सब कुछ मैं आगे वीडियो में लाती रहूंगी, आप लोग जुड़े रहिएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन से ही आपको दुर्गा सप्तशती के सभी पाठ, जितने पाठ जिस दिन किए जाते हैं वो सारे नियम पूर्वक आरती सहित आपको मिलते रहेंगे, आप लोग जरूर श्रवण कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।